जोधपुर रोड स्थित गौ चिकित्सालय नागौर में रामदेव खोड़ सुजानगढ़ द्वारा आयोजित महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरि महाराज के सानिध्य में गोहितार्थ पांचवें दिन की भागवत कथा में कथावाचक पंडित राजेंद्र प्रसाद शास्त्री ने नटखट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान की बाल लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक है। भगवान कृष्ण बचपन में अनेक लीलाएं करते हुए सभी का मन मोह लिया करते थे। भगवान गोपियों को चुराने के लिए माखन चोरी कर लेते थे, इसलिए भगवान माखन चोर कहलाए। शास्त्री ने बताया कि बाल लीला में श्री कृष्ण ने अनेक राक्षसों का संहार किया। पोतना नाम की शक्तिशाली राक्षसी वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तर से जहरीला दूध पिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण उसको पहचान लेते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। तत्पश्चात भक्तिन मीरा का वृतांत सुनाया और साथ ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन कर्माबाई का वर्णन करते हुए कहा कि प्रभु की निस्वार्थ भाव से भक्ति करें तो ईश्वर हमारी पुकार जरूर सुनते हैं।